दाढ़ी रखने और न निकालने पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पुलिस अधिकारी को किया गया सस्पेंड। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से खबर बता रहे हैं। खबर जो है वो संवैधानिक मसले में पेच में फंसी हुई खबर है। बागपत में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है इंतशार अली को दाढ़ी रखने के जुर्म में, अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है और साथ ही उनका ट्रांसफर कर उन्हें पुलिस लाइन में भेज दिया है। इस संबंध में बागपत पुलिस के पुलिस सुपरिटेंडेंट SP अभिषेक सिंह का कहना है कि वारंवार उन्हें चेतावनी दी गई थी कि बगैर अनुमति के वो दाढ़ी नहीं रख सकते। अगर उन्हें दाढ़ी रखना है तो इंतशार अली को उसकी अनुमति लेनी होगी, लेकिन उन्होंने अनुमति भी नहीं ली और चेतावनियों को जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया, जिसके चलते आखिरकार इंतशार अली सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और पुलिस लाइन में उनका ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए इंतशार अली ने कहा कि उन्होंने दाढ़ी रखने की अनुमति के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनके आवेदन पर, उनके अप्लाई पर किसी तरह का उन्हें कोई प्रतिसाद नहीं दिया गया। आपको बता दें, वर्ष 2012 में भी महाराष्ट्र में एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा ही मामला पेश आया था और ये मामला हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उस वक्त मुंबई हाईकोर्ट ने इस मुस्लिम पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट का कहना था फोर्स जो है वो सेकुलर एजेंसी है और यहां पर जो सेकुलर रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन करना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स में इस्लाम के हिसाब से आपको दाढ़ी रखना है तो वो एक अलग मामला है, लेकिन सेकुलर संविधान, सेकुलर फोर्स एजेंसी और सेकुलर रूल्स रेगुलेशन, इसके तहत आपको काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस आदेश को सही ठहराते हुए सुनवाई के दौरान जो है उनके खिलाफ अनुशासन भंग करने की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी पुलिस विभाग द्वारा महाराष्ट्र के, उसको कायम रखा गया था। वहीं महाराष्ट्र के इस पुलिसकर्मी के अटॉर्नी ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान ये भी बात रखी थी और 1989 का एक सर्कुलर जो मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए जारी किया गया था उसका हवाला दिया था, मगर अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फैसला हुआ नहीं है। और ऐसे में ही हम आपको बता दें कि कई ऐसे मामले थाने मुंबई में आए हैं, मुस्लिम पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है, हवलदार है, ASI है, PSI है, दाढ़ी रखना चाहते हैं, दाढ़ी रख भी लिए तो अनुमति नहीं है, इसके लिए उन्हें दाढ़ी निकालना पड़ रही है। तो अब ये नया ताज़ा मामला है उत्तर प्रदेश के बागपत का, जहां से इंतशार अली सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी के कारण सस्पेंड होना पड़ा है और नियमों की अनदेखी करने का उन पर आरोप है। क्यों कर रहा है? जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोशीन का नाम इंसार अली है, इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इन्हें इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बिठा दी गई।